संजय संजोय सलाटे जीतिया नाम के जय कमाइर सलाजो ग बहुत गलत कर भूलाय बिहारी ला चोर आदमी के और हमारा की बोल भागो जाओ साल कुकुर बोलता हैं हम लोग कुकुर बोलता है आप लोग जमीन में बैठता है जो एक साधारण परिवार से आते हैं देवेंद्र नाथ भैया उसी को हम लोग वोट डालेंगे नाथ आंदोलन के लिए जी जी इसलिए हम लोग का इस बार मन बना है कि हम लोग उसको भारी से भारी मतों से उसको जिताएंगे और जेल से ही फूल माला पहना के उसको निकालेंगे कांग्रेस के तो ही नहीं कांग्रेस के, तो के हमारे तो तो बापाओ नहीं दे तार बापाओ नहीं दे तार बापाओ नहीं दे कांग्रेस के बात आया पूछे कांग्रेस के हमारे बापाओ नहीं दे हमारे बुढ़ा बापो नहीं दे हम नहीं दे हमारे दादाओं नहीं दे कांग्रेस के तो हम कांग्रेस नाम खोले हमारे गाँव में है और जारगढ़ी गांव के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में ये जानने का हम प्रयास करेंगे क्योंकि रांची लोकसभा में छः विधानसभा आता है और छः विधानसभा में से एक ईचागढ़ विधानसभा भी आता है और वहीं हम आज जो है आए हुए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने को लेकर जारगढ़ी गांव के लोग क्या सोच रहे हैं इस सोच विचार को हम अब तक तो पहुंचाने को लेकर यहां पे हम आए हुए हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं दादा लोग हैं सारे लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरह का विचार रखते हैं क्योंकि बदलाव तो सबको ही चाहते हैं हर कोई चाहते हैं लेकिन इस बार की बदलाव में ये लोग अपना किस तरह से भूमिका निभाते हैं कि नाम बोठे दादू আমার অ্যাঁ আর বিদ্যা ধর্ম মহাতো হ্যাঁ এবারে ভোট আসছেন নেতা মন্ত্রী কি না এই দরবার জামান আচ্ছা আসছেন তো এই ভোট কাকে দিয়েছিস জয়রামকে জয় রামকে জয় রামকে দেখিয়েছিস নাই দেখি যে শোনার কথা মোবাইলে দেখিয়েছিস এই ছায়ে কহা দেন জয়ের আমার ছায়ে কহা কি ভোট কহা দেন কি আনন্দের কাই স্যার বঠে বলছে তো কাই আনন্দ নিজেরটাকেই না আমরা দেখতে হবে আচ্ছা আর মানে নিজেরা আদমি বোঠে তো সেই জলে ভোট দেব

কংগ্ৰেছ কে আমাৰ কংগ্ৰেছ কে আমাৰ বুঢ়া বাপু নাই দিয়ে নাই দিয়ে আমাৰ দাদাও নাই দিয়ে কংগ্ৰেছ কেম ক'লে আমাৰ গাত টে জ্বলে বত কেৱা কৌ ললে আমি খাতও নিদিব এক গোটেই জল নাই দিব जयराम महतो जो बोल छो तुम जयराम महतो जीती ही जाए जीतुटे ना अच्छा चल और बता दादा क्या नाम बताता नीलाम्बर महतो क्या लगता है आपके ग्राम में किस तरह का माहौल चल रहा है क्योंकि अभी बीजेपी कांग्रेस तमाम पार्टी और देवी की तरफ से देवेंद्र नाथ महतो भी खड़ा हुए हमारे गांव तो बहुत अच्छा हम लोग हम लोग का गांव चाहता है इस बार बदलाव बदलाव चाहता है बदलाव चाहता बदलाव है। तो चाहता है है बदलाव तो हर कोई लेकिन बीजेपी कांग्रेस के आड़ में नहीं हो पाता ये सब इस बार होगा क्या नहीं इस बार देवेंद्रनाथ महा तो हम लो का लोग का गांव में लगभग नब्बे परसेंट वोटर उसको मिलेगा नब्बे परसेंट वोट नब्बे परसेंट दूसरा पार्टी को पूरा पार्टी को कोई चाहता ही नहीं है तो अच्छा मतलब कैसे लगा कि इन लोग बदलाव कर सकता है ये जो युवा जो है जुबा का एक नया चेहरा है वो हम लोग का झारखंड का बात करता है अच्छा इसीलिए इसीलिए तो उसका छाप पता चला है पता चला है से छाप हेलमेट छाप ये है हेलमेट मतलब हेलमेट से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं पूरा जागरूक कर रहे हैं अच्छा 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 दादा एक चीज जानने का प्रयास करेंगे जिस हेलमेट छाप का कैंडिडेट का बात कर रहे हैं वो अभी हटवार जेल में बंद है फिर कैसे हो? जेल में है क्या जेल से जीत जाएगा हम लोग जेल में रहेगा हम लोग उसको वोट देकर जीताएंगे तो जेले से रहेगा जेले से जीत जीत जाएगा, जीद जीद जाएगा।, जीद जीद जाएगा।, जाएगा।

उस सब सब, सब का हम लोग का उत्साह बढ़ रहा है कि हम लोग जेल में है उसको वो उस तो ऐसा कोई आपराधिक मामले में जेल नहीं गया है वो गया है छात्रों के आंदोलन के लिए जी जी इसलिए हम लोग का इस बार मन बना है कि हम लोग उसको भारी से भारी मतों से उसको जिताएंगे और जेल से ही फूल माला पहना के उसको निकालेंगे मतलब जीत तय है जीत तो है कित, कितना वोटर है लगभग आपके गाँव में हम लोग का गाँव में लगभग कितना है चार सौ है तो चार में लगभग साढ़े तीन सौ तो पोल हो जाएगा हम लोग का खाली से जेवी कर सकें बीजे, अब बीजेपी कांग्रेस वाले लोग आएंगे तो नहीं बोलेंगे कि हम लोग भी रोजगार के बात करेंगे नियोजन का बात करेंगे तो ऐसे भरोसा नहीं करिएगा वो हम लोग का जो अभी हम लोग का सांसद है ना संजय सेठ हम लोग का पंचायत में हमको लग रहा है कि वो इलेक्शन के पहले भी और बाद में भी पैर भी नहीं रखा है अच्छा कितना काम हुआ है कुछ काम दिख रहा है आपको पांच साल के दरमियान संसद का कोई कुछ काम ही नहीं है हम लोग का हम लोग बदलाव ही चाहते है पूरा बदलाव बदलाव का गुंजाइश कौन कर रहा है कौन होगा बदलाव का किरण जो है दिख रहा है वो देख रहा है देवेंद्र नाथ महतो पूरे तरह से पूरे तरह से चलिए एक युवा भी हमारे साथ पढ़ने लिखने वाले हैं किस तरह का माहौल है इधर माहौल एकदम ठीक है मतलब किसका लहर चल रहा है जयराम महतो का जयराम महतो का चल रहे हैं जी और हाँ। रांची लोकसभा किसका माहौल चल रहा है देवेंद्र नाथ महतो देवेंद्र नाथ महतो जेल में है फिर जीता दीजिएगा आप लोग हाँ वोट देते हैं वोट देते देंगे क्यों नहीं देंगे हाँ मतलब पहली वोट होगा की पहले भी दिए है वोट पहले नहीं दिए हैं पर अभी देंगे अच्छा पहली बार वोट देंगे देवेंद्र नाथ महतो हाँ चलिए पहली बार देंगे मतलब जीत तय है जीत पक्का पक्का तय का है चलिए क्या नाम होता था आपका मेरा नाम प्राणेश्वर महतो अच्छा, लगता है आपके गांव के लोग बोल रहे की देवेंद्र नाथ महतो का लहर चल रही है बीजेपी कांग्रेस का लहर चलता था पहले पहले चलता था लेकिन आज इस डेट में हम लोग सिर्फ जयराम को वोट डालेंगे जयराम को ऐसा देवेंद्र नाथ महतो क्यों डालिएगा क्योंकि उसके साथ हम लोग बहुत आंदोलन भी किए हैं रांची भी गए हैं हम लोग जैसे तरुण भैया वरुण महतो इन लोग के साथ हम लोग जाते हैं देखते हैं कि बाहरी जितना विधायक सांसद है कोई अपना मतलब स्थानीय खतियान के बारे में नहीं बात करते हैं अच्छा जे, अभी जो दे, देवेंद्र नाथ मेहता है वो जेल के अंदर है तो क्या कोई आपराधिक मामले में जेल गए हैं कि आप लोग के लिए जेल गए हम लोग के लिए गया है जनता के लिए गया है तो जनता जनता क्या चाहता है जनता के वो क्या होना चाहिए वो सब जनता इस बार बदलाव चाहता है हम लोग का सांसद जितना बार है सब बाहरी है राजस्थान का है गुजरात का है लेकिन इस बार हम लोग चाहते हैं कि रांची विधानसभा सिली राह का होना चाहिए अच्छा मतलब अपने तो जमीन में माटी का बेटा जो जमीन में बैठता है जो एक साधारण परिवार से आते हैं देवेंद्र नाथ भैया उसी को हम लोग वोट डालेंगे देवेंद्र नाथ महतो को तो आप लोग जिताने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन जब रात लास्ट मोमेंट पे जब बीजेपी और कांग्रेस खेला करता है ना उसमें लोग बच नहीं पाते हैं कैसे टिकिएगा है इस सब में इस बार उन लोग का बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे हम लोग कोई हम लोग का गांव में और बाहर भी हम लोग जाते हैं घूमते हैं तो देखते हैं कि इस बार जयराम और देवेंद्र नाथ महतो की ये हम लोग जिताएंगे जैसे हम लोग विस्थापित परिवार से आते हैं तो विस्थापित बारे में कोई नहीं काम किया है सिर्फ उन लोग कुछ बोलता है और कुछ तरफ करता है मतलब इस बार करने का असर दिख रहा है हाँ जैसे खतियान की बात करते हैं, माटी की बात करते हैं देवानंदनाथ भैया जैसे हम लोग के लिए ना जेल गया है वो जेल में रहे चाहे कहीं पर रहे लेकिन हम लोग उसको जिताएंगे तो जेल में रह के कोई असर होगा क्या लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे जेल में पूरा पूरी जुड़ रहे हैं सबको जुड़ रहे हैं जहाँ रहे जो जेल में है तो इस बार हम लोग पूरा भारी बहुमतों से जिताएंगे अढ़ाई तीन लाख ज्यादा वोट देकर हम लोग जिताएंगे चारी रांची चारी मतलब बहुत संकल्प ले लिया बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त है क्या लगता है दादा इस बार हम लोग जेबी केस को जिताएगा जेबी केस को लोग बीजेपी कांग्रेस करते हैं जी आप लोग बीजेपी कहाँ आएगा बीजेपी नहीं आएगा कांग्रेस नहीं आएगा खाली जेबी के लेकिन लोग जो पहले हाथ और फूल में जाते थे लेकिन आप लोग जो युवा लोग को देख रहे खाली जेबी के साथ मतलब ये विचार कैसे है आप लोग विचार हम लोग का ठीक है इस बार देवेंद्र भैया को जिताना है मतलब रांची लोकसभा का सांसद देवेंद्र नाथ हाँ, तो रांची लोकसभा से देवेंद्र है पता है हेलमेट हेलमेट छाप छाप है गाड़ी उड़ी चलाते हैं तो सुरक्षा रहता है ना रांची का सुरक्षा करिएगा पूरा आप लोग वोट के माध्यम से अगर सुरक्षा करना चाहिएगा तो हेलमेट बचा सकता है

और वो भोटे संजोई जीतिया जीती है और नाम कमा और सला के, गुली सला के। काके गुली जो गुलत हमारा के भूला बिहार चोर आदमी के और हमरा की बोल भागो जा सला कुकुर बोलता है हम लोग कुकुर बोलता है कुकर बोलता है झूठ को, मतलब को नहीं नहीं चल दो बहुत बहुत धन्यवाद तो तमाम लोगों से हम बात करने के कोशिश किए वकदा सारी चीजों को रखने के कोशिश किए अभी थोड़ा सा जो है टाइम का इशू है जिस वजह से लोग उतना नहीं है पहुंच पाए हैं और नहीं भी हैं गांव में इतने ही लोग हमें मिले हैं लेकिन माहौल डिसाइड यहीं पे होता है कि लोग सोच रहे हैं खुल के बोल रहे हैं तो पता चल रहा है कि रांची लोकसभा में बदलाव तो होगा अब देखने लायक बात होगा पच्चीस मई को जो है चुनाव है इसके बाद क्या कुछ फीडबैक निकल के आता है सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे बने रहें देखते रहिए जोहार नमस्कार